दरवाजों पर लटके ताले, खाली पड़े घर और पलायन करते लोगों की तस्वीर समृद्ध राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के कैराना की है, जहां हर दिन हिंदू परिवार लगातार पलायन कर रहे हैं। कैराना के पलायन के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है। बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया। जो पलायन हो रहा है हिंसा के कारण, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत हम चिंता प्रकट करते हैं और सरकार जो अभी है समाजवादी पार्टी की, वो स्थितियों को संभालने में रोज अपनी असमर्थता दिखा रही है। वहीं इस मुद्दे पर जिन्हें कुछ खबर होनी चाहिए उन्हें तो खबर ही नहीं है कि यूपी के कैराना में क्या हो रहा है। अभी आपसे खबर मिली है, पहले इसकी तस्दीक कर लें। बीजेपी के सांसद हुकुमदेव नारायण सिंह ने कैराना के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया है और अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। बीजेपी ने 9 संसदीय जांच समिति को कैराना कूच करने का आदेश जारी किया। इससे पहले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने ऐसे करीब 340 परिवारों की सूची जारी की थी जो पिछले 2 सालों में कैराना से पलायन कर गए थे। शिकायतों की लंबी सूची के साथ हुकुम सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास भी पहुंचे। मतलब यूपी के कैराना में जिंदगी कब खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। रंगदारी वसूल करने वालों का आतंक ऐसा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग आशियाने को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। 2 साल के अंदर इलाके से 347 परिवार पलायन कर चुके हैं। ऐसे में अब बीजेपी इस मुद्दे को सियासी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।